आप महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में किसे महान खिलाड़ी मानते हैं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस मुकाबले में चमका ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला, चौके छक्कों की बरसात से लूटी महफिल, तो अजिंक्य रहाणे के तूफानी शॉट से झूम उठा बंबई का मैदान। पहले ही मैच में पार हुई रोमांच की सारी हदें, चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने उतरे रविंद्र जडेजा ने मचाई इस कदर तबाही के खून के आंसू रोने पर मजबूर हुए बंबई के बल्लेबाज। बंबई के बल्लेबाजों का आखिर क्या कुछ हुआ इस ऐतिहासिक मुकाबले में, जिसने दर्शकों की सांसें तक रोक दी थी। किस खिलाड़ी ने अपनी परफॉर्मेंस से पलट दिया पूरा मुकाबला, इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ईशान किशन और शिवम दुबे में सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पूरी दुनिया मुंबई और चेन्नई के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को उत्साहित थी। जब सिक्का उछला तो महेंद्र सिंह धोनी की किस्मत चमकी। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर मुंबई को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दे दिया। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। मुंबई के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से रोहित शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी। मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर तुषार देशपांडे ने रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने 13 गेंद में 3 चौके और 1 छक्का लगा 21 रन बनाए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर आए कैमरॉन ग्रीन। सातवें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने ईशान किशन को सिक्स मारने के प्रयास में बाउंड्री पर डवेन प्रीटोरियस को कैच थमा आराम फरमाने भेज दिया। ईशान ने 21 गेंद में 5 चौकों की मदद से 32 रन बनाए। फिर मैदान पर आए सूर्य कुमार यादव। 73 रनों के स्कोर पर आठवें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल सेटलर की गेंद पर सूर्य कुमार यादव को महेंद्र सिंह धोनी की अपील के बाद आउट करार दे दिया गया। उसके बाद मैदान पर आए तिलक वर्मा। 8.2 ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपनी ही गेंद पर कैच लपक कर कैमरॉन ग्रीन को पवेलियन भेज दिया। ग्रीन ने 11 गेंद पर 12 रन बनाए। यह देख चेन्नई के फैंस खुशी से झूम रहे थे। उधर पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा दांतों तले उंगली दबा रहे थे। फिर मैदान पर आए अरशद खान को मिचेल सेटलर ने विकेटों के सामने फंसा पवेलियन भेज दिया। यहाँ से शुरू हुआ बम्बई का पतन। उसके बाद मैदान पर आए टिम डेविड। 102 रनों के स्कोर पर रविंद्र जडेजा ने तिलक वर्मा को विकेटों के सामने फंसा पवेलियन भेज दिया। तिलक वर्मा ने 18 गेंद में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 22 रन बनाए। उसके बाद मैदान पर आए ट्रिस्टन स्टब्स। 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिसांदा मगाला ने ट्रिस्टन स्टब्स को डवेन प्रीटोरियस के हाथों बाउंड्री पर कैच थमा पवेलियन भेज दिया। 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर तुषार देशपांडे ने टिम डेविड को अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच थमा चलते बने। उन्होंने 22 गेंद पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ 31 रन बनाए। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई के गेंदबाज मुंबई के बल्लेबाजों का करियर खराब करने के इरादे से मैदान में गेंदबाजी कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर मुंबई इंडियंस को 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रनों के स्कोर पर रोक दिया। मुंबई के लिए ईशान किशन ने सबसे ज़्यादा 32, टिम डेविड ने 31, तिलक वर्मा ने 22 और कप्तान रोहित शर्मा ने 21 रन बनाए। वहीं रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 4 विकेट, मिचेल सेटनर और तुषार देशपांडे को 2-2 और सिसांदा मगाला ने 1 विकेट लिया। 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर बल्लेबाज ऋतु गायकवाड़ और डेवोन कॉनवे मैदान पर आए। 21 रनों के स्कोर पर तीसरे ओवर में जैसन ने डेवोन कॉनवे को बिना खाता खोले क्लीन बोल कर पवेलियन भेज दिया। फिर मैदान पर आए अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अपना पहला मैच खेलते हुए शानदार अर्धशतक लगाया। उन्होंने 19 गेंद पर 50 रन पूरे कर लिए। इस आईपीएल में किसी बल्लेबाज का यह सबसे तेज अर्धशतक था। 82 रनों के स्कोर पर पीयूष चावला ने अजिंक्य रहाणे को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच थमा पवेलियन भेज दिया। अजिंक्य रहाणे ने 27 गेंद में 3 छक्के और 7 चौके के साथ 61 रन बनाए। उसके बाद मैदान पर आए शिवम दुबे। यह देख मुंबई के फैंस खुशी से झूम रहे थे। 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुमार कार्तिकेय ने शिवम दुबे को आउट कर दिया। दुबे ने 26 गेंद में 28 रन बनाए। यह देख महेंद्र सिंह धोनी के भी पसीने छूट गए।
18.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना, रिकॉर्ड जीत दर्ज कर ली चेन्नई की टीम ने। चेन्नई के लिए सर्वाधिक रन अजंक्य रहाणे ने 61, ऋतुराज गायकवाड़ ने नाबाद 40 और शिवम दुबे ने 28 रन बनाए। वहीं जयसन, पीयूष चावला और कुमार कार्तिकेय को एक एक विकेट मिला। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।